वेलकम बैक इन दिस वीडियो। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती है जिस पर विश्वास करना कहा जाए मुश्किल होता है। ऐसी एक घटना के साथ मैं उपस्थित हूं। क्या है अपडेट, क्या है न्यूज, आइए देखते हैं इस वीडियो में। 7 बार काट चुका सांप, विकास के घर पहुंची टीम तो लटका था ताला, डॉक्टर ने किया दूध का दूध और पानी का पानी। जी हां दोस्तों, एक व्यक्ति को 7 बार सांप काटता है, उसके बाद क्या होता है, क्या है डिटेल, आइए देखते हैं इस वीडियो में। FO ने राम स्नेही मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी बातचीत की। डॉक्टर ने DFO को सांप काटने वाली घटना के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसके बाद टीम विकास के घर पहुंची तो वहां ताला लटका मिला। आइए जानते हैं पूरा मामला। ये घटना है यूपी के फतेहपुर जिले में मलवा थाना क्षेत्र के सौरा गांव के रहने वाले विकास जुमे ने यह दावा किया है कि 40 दिनों में सांप ने उसे 7 बार डसा है। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, यूपी के फतेहपुर जिले में मलवा थाना क्षेत्र के सौरा गांव के रहने वाले विकास जुमे ने यह दावा किया है कि 40 दिनों में सांप ने उसे 7 बार डसा है। अब हर बार इलाज करने वाले डॉक्टर भी इस घटना से बेहद हैरान हैं। हैरत में डालने वाला मामला मीडिया में आने के बाद जिला प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही वन विभाग की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं आज DFO रामानुज त्रिपाठी ने टीम के साथ विकास दुबे का इलाज करने वाले डॉक्टर जवाहरलाल के अस्पताल पहुंची। जी हां दोस्तों, 40 दिनों में एक व्यक्ति को सांप ने 7 बार डसा है। अब हर बार इलाज करने वाले डॉक्टर भी इस घटना से बेहद हैरान हैं। हैरत में डालने वाला मामला मीडिया में आने के बाद जिला प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही वन विभाग की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं आज DFO रामानुज त्रिपाठी ने टीम के साथ विकास दुबे का इलाज करने वाले डॉक्टर जवाहरलाल के अस्पताल पहुंची, उनसे बात की। डॉक्टर ने DFO के सांप काटने वाली घटना को सही ठहराते हुए कहा कि हमेशा जब पीड़ित युवक अस्पताल में इलाज के लिए आया है, उसके बचाव के लिए एंटी वेनम इंजेक्शन लगाया गया है। जी हां दोस्तों, डॉक्टर ने सांप काटने वाली घटना को सही ठहराते हुए कहा कि हमेशा जब भी पीड़ित युवक अस्पताल में इलाज के लिए आया है, उसके बचाव के लिए एंटी वेनम इंजेक्शन लगाया गया है। DFO रामानुज त्रिपाठी ने बताया कि हमारी टीम आज ही विकास दुबे के घर जाने वाली है, लेकिन पता चला है कि आज घर पर ताला लगा हुआ है, पीड़ित युवक परिवार के साथ कहीं बाहर गया हुआ है। कल या परसों में मेरी टीम जाएगी, अगर वहां पर सांप है तो उसको रेस्क्यू करेंगे। वहीं जब हमारी टीम ने पीड़ित युवक के चाचा राधाकृष्ण दुबे से फोन पर बात की तो उन्होंने हमें बताया कि किसी तांत्रिक ने उन्हें काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए कुछ उपाय बताए हैं, जिसके बाद वो अपने भतीजे विकास दुबे को लेकर के शाम चित्रकूट पहुंचे हैं। वहां राम घाट पर मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाने के बाद कामतानाथ स्वामी और हनुमान धारा के दर्शन किए और वो अपने भतीजे को लेकर के मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। देर शाम तक वह बालाजी के धाम पहुंच जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन के बाद कल वहां से निकलेंगे। गौरतलब है कि 40 दिनों के अंदर सांप ने 7वीं बार काटा। आपको बता दें कि सर्पदंश से पीड़ित 24 वर्षीय विकास दुबे मलवा थाना क्षेत्र के सौरा गांव का रहने वाला है। उसने यह दावा किया है कि 40 दिनों के अंदर सांप ने उसे 7वीं बार काटा है। हर बार सांप काटने से पहले उसे खतरे का आभास हो ही जाता है। उसे शनिवार और रविवार के दिन ही सांप ने काटा। जी हां दोस्तों, यहां यह बात द्रष्टव्य है कि जितनी बार भी सांप ने उसे काटा है, वो दिन जो है शनिवार और रविवार के ही दिन ही काटा है। लेकिन इस बार सांप ने चाचा के घर पर रहते हुए गुरुवार की शाम को ही काट लिया, जिसके बाद परिजनों ने विकास की हालत नाजुक देखते हुए शहर के राम स्नेही मेमोरियल अस्पताल के ICU में भर्ती कराया था, जहां दूसरे दिन डॉक्टर ने हालात में सुधार देखते हुए उसे डिस्चार्ज कर दिया है। परिजन लगातार इस अकल्पनीय घटना से परेशान और भयभीत हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जी दोस्तों, जहां दूसरे दिन भी डॉक्टर ने हालात सुधार देखते हुए डिस्चार्ज कर दिया, परिजन लगातार इस अकल्पनीय घटना से परेशान है, भयभीत हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। 7 बार काट चुका है सांप, विकास के घर पहुंची टीम तो लटका था ताला। यह था बिग अपडेट इस वीडियो में। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है, ऑल पर क्लिक कर देना है, ताकि सभी वीडियोज के अपडेट्स आप तक सबसे पहले मिलता रहे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।